रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीरें हैं रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष थे, एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे, जो 6 साल पहले कांग्रेस से जुड़े और कहीं ना कहीं जीत का श्रेय, कांग्रेस की जीत का श्रेय रेवंत रेड्डी को दिया जा रहा है। और बिना आर्ग्यूमेंट के हाईकमांड ने ये फैसला ले लिया कि उन्हीं को मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। तो रेवंत रेड्डी वहाँ और यूपीए की फॉर्मर चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रेसिडेंट रही, अध्यक्ष रही सोनिया गांधी जी वहाँ मौजूद हैं। वेणुगोपाल राव भी वहाँ दिख रहे हैं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी वहाँ पहुँचे हैं, देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस का टॉप लीडरशिप वहाँ पहुँच रहा है इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग भी है, क्योंकि 10 साल पहले जब आंध्र प्रदेश का को स्प्लिट किया गया था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कर, तो कांग्रेस वहाँ सत्ता से बाहर चली गई थी। लेकिन 10 साल बाद सोनिया गांधी जी वहाँ हैदराबाद में दिख रही हैं, उस मंच पर जहां कांग्रेस फिर से सत्ता पर वापस लौटी है, कांग्रेस को फिर से सत्ता पर लाया गया है। तो 10 साल पहले आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उस वक्त भुगतना पड़ा, ऐसा कहा जा रहा है, और बीआरएस को उसका फायदा पहुंचा। अब सोनिया गांधी जी वहां मौजूद हैं, डीके शिवकुमार भी वहां मौजूद है। क्या एक मैसेजिंग है? अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से फोकस शिफ्ट करते हैं तेलंगाना। अमिताभ, ये क्या संकेत हैं? कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखेगी, और क्या आगामी चुनाव में, लोकसभा 2024 में, तेलंगाना में हम बीजेपी बनाम कांग्रेस फाइट देखेंगे 17 सीटों के लिए? आनंद, बीजेपी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही थी। अगर बांडी संजय कुमार की बात करें, उनको हटाया गया जब, जैसे ही अगर भनक लगी कि कांग्रेस ग्राफ में ऊपर जा रही है, अगर सारे सर्वे में ऊपर जा रही है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने, और मेरे ख्याल से टीआरएस भी, तब बीआरएस भी ठंडी पड़ी थी। अब रेवंत रेड्डी को पार्टी ने इनाम दिया है, क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ी थी। डीके शिवकुमार वहां पर जाकर बैठे थे, तो उनसे सीनियर लीडर्स हैं वहां पर कांग्रेस में। आप जैसे बोला कि एबीवीपी में रह चुके हैं बीजेपी के काफ़ी नेताओं के, उस एक ज़माने में करीबी भी थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की, कांग्रेस ने उनको सीएम बनाकर इनाम दिया भी है। यानी जिसने मेहनत की, जो लीड किया, उसे आगे सड़क पर लड़ाई लड़ी, उसे अब सीएम बनाकर इनाम दिया है। तो ये सीधा संकेत है। और कम से कम सोनिया गांधी ने वहां जाकर और पार्टी के तमाम नेताओं ने वहां जाकर संदेश दिया है कि कम से कम जो 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 दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद तेलंगाना में उनकी सरकार बनी है, अब कम से कम केंद्र में उनकी लड़ाई इन दक्षिण भारत के राज्यों में काफ़ी बेहतर हो जाएगी, जो पहले भी कांग्रेस के कई नेता संदेश ऐसा दे रहे हैं। लेकिन ये तो हमने पहले नहीं देखा है, जब केंद्र की लड़ाई आती है, सेंटर की लड़ाई आती है, तो कर्नाटक ने जिस तरह से मत दिया, पिछली बार भी बीजेपी का वोट शेयर करीब सिर्फ 7% था, तेलंगाना में 1 सीट मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में करीब 20% वोट शेयर और 4 सीटें। अब की बार देखिए, लोकल इलेक्शंस में ही इनकी 14% वोट शेयर है। बीजेपी तो ये कह रहा है कि बीजेपी बनाम कांग्रेस हमारे लिए अच्छा है, बीआरएस अगर इक्वेशन से बाहर होता है तो हम तेलंगाना में 10 से 12 सीटें जीतेंगे, इस बात पर बीजेपी काबिज है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए क्या अब अपने आप को सिर्फ एक दक्षिण भारतीय पार्टी, एक रीजनल पार्टी, कहीं ये तबका तो नहीं लग जाएगा, ये ठप्पा तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि केरल से उनके सबसे ज़्यादा सांसद आए हैं। अब की बार पंजाब से भी उनको वो नहीं मिलेगा रिटर्न जो पिछली बार मिला था। आनंद, आप बिल्कुल सही हो, और यही ओवर कॉन्फिडेंस था जो मध्य प्रदेश में पार्टी हारी, यही ओवर कॉन्फिडेंस था जो कि पार्टी छत्तीसगढ़ में मुंह की खानी पड़ी। अगर अशोक गहलोत 70 सीट लेकर आ रहे हैं, तो ये पार्टी और उनके लिए इंडिविजुअली बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो पार्टी को कम से कम जहां वो सबसे मजबूत थे, वहां अगर जनता से दूर हो रहे हैं, तो केंद्र तक तो पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर 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 तमिलनाडु में स्टालिन भी हैं, वो सत्ता छोड़ नहीं रहे उनके लिए, अगर बीआरएस अगर लोग विधानसभा हार रही, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि बीआरएस पूरी की पूरी लोकसभा सीटें हार जाएगी। बीजेपी भी वहां काफी, पिछली बार जब बीआरएस पीक पर थी, तब 4 सीटें लेकर आई थी बांडी, और उनकी बेटी कविता को हराया था बांडी संजय कुमार ने। तो ऐसा नहीं है कि इन सब जगहों पर बीजेपी ने मेहनत नहीं की है। बीजेपी के हर जिले में, मुझे लगता है तेलंगाना के अब बीजेपी के अब बढ़िया पार्टी दफ्तर हैं। तो देखिए अमिताभ, एक और बात देखिए, अगर आप देखें, 2 बड़े स्टेट इनके हाथ से निकल गए, और तीसरे में जहां इनकी जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित थी, वो भी इनके हाथ से निकल गई, और भारी बहुमत से वहां बीजेपी वापस आई है। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर वापस मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज होना। और अब वहां देखिए, सोनिया गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका वाड्रा हैं, राहुल गांधी सब वहां पहुंचे हैं।
तेलंगाना स्टेट की जीत क्या इतनी बड़ी बात है कि आप बाकी तीन स्टेट खासकर जिसे हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है वहां अपनी करारी हार को भूल जाएं? देखिए कुछ गम भुलाने पड़ेंगे, कम से कम एक जीत तो मिली, क्योंकि अगर मेघालय भी देखें, मेघालय में भी कांग्रेस मिजोरम, बुरे मिजोरम में बहुत बुरे तरह से सिमटी है, बीजेपी में की दो आई है उनकी एक सीट आई है। तो मुझे लगता है कि चारों तरफ आप सिमट रहे हो, लेकिन जो मिल रहा है उसमें खुशी मना रहे हो। मुझे लगता है पार्टी को भी एक बहुत मुझे लगता है कि हिंदी बेल्ट में आईसीयू से निकाल के जनरल वार्ड में ले आने की जरूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में। देखिए जनरल वार्ड की तो बात मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष का अलायंस है INDI अलायंस, उसमें क्या उसमें क्या कांग्रेस की अब पकड़ ढीली हो जाएगी? क्या जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं वो अब अलग होकर अपने आप लड़ने की बात करेंगी? क्या समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, BRS ये सब एकजुट होकर ये कहेंगे कि हम बिना कांग्रेस के लड़ेंगे? केजरीवाल ने तो कह दिया आनंद कि हम नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में सरकार है। अब अखिलेश यादव के अपने अमृत बोल सुन चुके हैं कांग्रेस के बारे में, उन्होंने क्या क्या कहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी है सबको एक करना। लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आनंद, अभी अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार JDU के दफ्तर गए हैं, अब उनको भी लग रहा है संगठन की चिंता हो रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। नीतीश कुमार JDU के दफ्तर गए हैं, लेकिन JDU के दफ्तर में उनका काडर कहीं दूसरे दफ्तर में तो नहीं बैठा हुआ है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। अटकलें लगाई जा रही हैं कि JDU के अंदर ही इतना बड़ा विभाजन है कि आधे RJD की तरफ, आधे BJP की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं इनकी जेलर साहब जैसी परिस्थिति तो नहीं हो गई कि आधे इधर गए आधे उधर गए बाकी उनके पीछे हैं? आनंद संगठन के सहारे तो BJP की नैया पार हो रही है, तो मुझे लगता है कम से कम JDU इंस्पायर हो रही है तो कांग्रेस को भी इससे कुछ मुझे लगता है इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि संगठन पर ध्यान दे, ग्रास रूट पे। लेकिन अगर आप स्ट्रेट फाइट्स की बात करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, तो पिछली बार 4123 जहां तक मुझे आंकड़े याद हैं 4123 विधानसभा सीटें हैं पूरे भारत भर में। 2018 में BJP के पास उस वक्त 33% सीटों पर BJP के विधायक काबिज थे, यानी कि, और फिर उसका कन्वर्जन हुआ लोकसभा में 303 सीटें, यानी 56% आउट ऑफ 543। अब की बार आंकड़े ये कह रहे हैं कि वो नंबर 2018 का नंबर 2023 दिसंबर में बढ़कर 37% पर, जहां BJP के विधायक काबिज हैं बैठा है। तो एरिथमेटिक कन्वर्जन पर अगर आप देखें तो ये 325 से ऊपर सीटों के संकेत दे रहा है BJP के लिए। मैं NDA की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ BJP की बात कर रहा हूं। वही अब स्ट्रेट फाइट हो जाएगा, स्ट्रेट फाइट 230 सीटों में कांग्रेस बनाम BJP है लोकसभा 2024 में, तो पलड़ा किसका भारी है? देखिए जो मोमेंटम प्रधानमंत्री ने ये तीन चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले BJP ऑफिस में क्या कहा, कार्यकर्ता आगे बढ़े, नेता आगे बढ़े, इस मोमेंटम को बनाए रखना है लोकसभा चुनाव तक, यानी मोदी गारंटी का मोमेंटम अगले 3 महीने बना रहेगा। PM 1 दिसंबर को दुबई जाते हैं, अब की बार 400 पार के नारे लगते हैं, तो मुझे लगता है जो 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 अभी विकास संकल्प यात्राएं चल रही हैं, आने वाले दिनों में राम मंदिर का एक बहुत बड़ा, एक पूरे पूरा देश देखेगा कैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो तमाम स्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं जो को जो कहा जाए ना कि अब फेवरेबल पिच तैयार हो रही है, और उसको ये मोमेंटम देगा ये तीन विधानसभा चुनाव का नतीजा। बट तेलंगाना में भी क्या कांग्रेस को जो सफलता विधानसभा में मिली है वही सफलता लोकसभा में मिलेगी? 17 सीटों में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत सकती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्टली ऑन द टिकट होंगे बनाम राहुल गांधी? रोड शो बड़ा अद्भुत था प्रधानमंत्री का, प्रॉब्लम यह हुई कि वहां जनता एक अल्टरनेटिव ढूंढ रही थी BRS का, BRS का अल्टरनेटिव BJP बन के उभर रही थी, लेकिन एकाएक जब देखा गया कि जब कांग्रेस का ग्राफ भी ऊपर हो रहा है तो मुझे लगता है BJP ने थोड़े से हथियार डाले कि कम से कम कांग्रेस न जीते। ऐसे में मुझे लगता है कि जब जनता ने देखा कि कांग्रेस ही अल्टरनेटिव है, BJP ने अपने हथियार डाल रही है, तो मुझे लगता है उस समय जनता ने फिर कांग्रेस को वोट देने का मन बनाया। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी थी तेलंगाना में, और BJP को अगर 10 सीटें भी आई हैं कि 10-11 सीटें, तो ये अचीवमेंट है। अगर हो सकता है कि एकमात्र अल्टरनेटिव होते तो हो सकता है 40 सीटें BJP की आ जाती। रेवंत रेड्डी ABVP से TDP गए, TDP से कांग्रेस 6 साल पहले पहुंचे, और जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया, कहीं ना कहीं अमिताभ आपको लगता है कि इन्होंने BJP के हाथ से पूरा जो परोसी हुई रोटी थी वो उनकी थाली छीन ली? क्योंकि 6 महीने पहले जब बंडी संजय कुमार अटैक कर रहे थे BRS को, तो उस वक्त उनको हटा दिया गया। जब उनको हटाया, क्या ग्राउंड पर ये मैसेज फैल गया कि कहीं ना कहीं BJP और BRS की सांठगांठ है? अब इसी साठगांठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रैली में तो दुत्कार दिया, उन्होंने कहा देखिए BRS आई थी लेकिन हमने मना कर दिया।
तो अगर मना किया और फिर आपने क्या कहा कि बैकवर्ड कास्ट के नेता को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, पर बंडी संजय कुमार तो बैकवर्ड कास्ट से थे जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, तो फिर उनको हटाया क्यों? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी की गलतियों की वजह से भी कांग्रेस को वहां फायदा हुआ? बिल्कुल, मैंने यही 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 कहा है कि थोड़ा थोड़ा बैकफुट पर जाना बीजेपी को और वहाँ की जनता को नहीं भाया, और यही कांग्रेस सफलता से जनता के बीच में प्लांट करने में सफल रही कि बीजेपी बीआरएस मिले हुए हैं, क्योंकि वो जिस रफ्तार से केसीआर की बेटी कविता के खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही थी, एकाएक ठंडे पड़ना, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को एकाएक बदल देना, जो काफ़ी अग्रेसिव, बांडी संजय कुमार काफ़ी अग्रेसिव थे आनंद, आपको याद होगा, वो सड़क पर इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, यात्राएं निकाल रहे थे, कम से कम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो यात्रा करके ही लोग जनता के बीच में घुसते हैं, चाहे वो चंद्रबाबू की नायडू की यात्रा हो रही हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी की यात्रा रही हो, हर आदमी सड़क पर ही नजर आता है कि आप पूरे साल आप सड़क पर यात्रा कर रहे हो, जनता से कनेक्ट बना रहे हो। ऐसे में मुझे लगता है कि ये रेवंत रेड्डी का जो कनेक्ट है वो ज़्यादा काम आया है, और जनता में ये भरोसा कि कांग्रेसी अल्टरनेटिव है, कांग्रेसी विकल्प है, वो बीजेपी के खिलाफ चला गया, नहीं तो बीजेपी हो सकता है तेलंगाना में इससे बेहतर परफॉर्म तो जरूर करती। और मुझे नहीं लगता है कि अगर लोकसभा में अगर बीजेपी ने जो वहाँ बेस तैयार किया है, मुझे 2017 में आनंद मुझे याद है अमित शाह को जिम्मा मिला था और अमित शाह ने काफी लंबा दौरा किया था, हैदराबाद में उतर के नालागोंडा से लेकर तमाम जिलों में वो गए थे, हर जगह पार्टी के नए बिल्डिंग बनाने की आधारशिला डाली थी, मैं खुद उनके साथ गया था आनंद, और मेहनत की थी, और दूसरे और जहां तक तेलंगाना की बात है, तेलंगाना में बीजेपी एक अल्टरनेटिव बन के जरूर उभरेगी आने वाले दिनों में। कहीं ना कहीं अब से 6 महीने के अंदर कांग्रेस का सुशासन या कुशासन क्या ये बोलेगा लोकसभा में, बहुत बड़ा प्रश्न है। ये शपथ ग्रहण समारोह मंच पर अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी पहुंचे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी वहां पहुंचे हैं, ये तस्वीरें मंच से, जहां गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन भी हैं, शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि रेवंत रेड्डी के घोषित होने से पहले और चुनाव परिणाम समाप्त होने से पहले ही तेलंगाना के डीजीपी ने उनका स्वागत किया था पुष्पगुच्छ देकर, और तेलंगाना के डीजीपी को सस्पेंड कर दिया गया था, तो काफी सारा ड्रामा तब भी हुआ है। और अमिताभ, एक और बात यह है कि तेलंगाना भले ही ऐसा लगेगा कि इसका कोष भरा हुआ है, लेकिन इसका डेट करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का है, 10 साल के अंदर तेलंगाना के अंदर उतना प्रोग्रेस नहीं आया है या जितना आना चाहिए था, और इतना बड़ा अगर उसका उधार है सेंटर के ऊपर, तो इस राज्य को चलाना आसान नहीं होगा, और साथ ही शुरुआत ही आपदा से हुई है, मिकजोम से, बहुत मुश्किल होने वाला आनंद, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा अमिताभ रुके, वहां शपथ ग्रहण समारोह के का लाइव ऑडियो जरा देखते हैं, सुनते हैं। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल गवर्नर मैडम टू काइंडली एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू श्री अनुमला रेवंत रेड्डी गारू, Chief Minister Designate of the State of Telangana. Ane Nenu? Yeah. Ane Nenu? Yenumula Revanth Reddy Ane Nenu. శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను, రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని, నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకే తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
तो शपथ ग्रहण लिया किया, आप तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, अनुमला रेवंत रेड्डी। पहली बार है कि तेलंगाना के 10 साल के इतिहास में बीआरएस के अलावा कोई और पार्टी सत्ता पर काबिज है, केसीआर के अलावा कोई और नेता मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे हैं। केसीआर को तो और रेवंत रेड्डी को कामरेड्डी की सीट में से बीजेपी के एक विधायक ने, एक उम्मीदवार ने हरा दिया था।